भरतपुर के सेवर इलाके में एक सड़क दुर्घटना में एक 24 साल के युवक की मौत हो गई। युवक की एक महीने पहले ही सगाई हुई थी और नवंबर में उसकी शादी होने वाली थी। युवक जयपुर से भरतपुर अपनी कंपनी की लोडिंग गाड़ी में बैठकर अपनी बहन से मिलने जा रहा था, तभी उसकी लोडिंग गाड़ी में बासीगांव के पास कोई अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और फरार हो गया। इसके बाद लोडिंग गाड़ी में आग लग गई। राकेश मथुरा जिले के ममोरी गाँव का रहने वाला था और जयपुर के कंपनी में ठेकेदार की नौकरी करता था। देर रात अपनी कंपनी की लोडिंग गाड़ी में बैठकर अपनी बहन से मिलने भरतपुर आ रहा था। राकेश की बहन भरतपुर रेलवे में नौकरी करती है। राकेश के साथ उसकी कंपनी का एक ड्राइवर भी था। दोनों टाटा 407 से भरतपुर की तरफ आ रहे थे, तभी बांसी गांव के पास अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी और फरार हो गया, जिससे टाटा 407 अनियंत्रित हो गई और उसमें आग लग गई। आसपास से जा रहे लोगों ने टाटा 407 से उन्हें बाहर निकाला और RBM अस्पताल पहुँचाया, जहाँ राकेश के हेड इंजरी होने के कारण उसकी मौत हो गई। वहीं ड्राइवर की मामूली चोटें आई। ट्रक में रखी फ्रूटी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। सुबह जब पुलिस को घटना की सूचना मिली तो सेवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल राकेश के शव का पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मतलब ये था कि रात को वो आ रहा था जयपुर से टाटा 407 से, अचानक एक्सीडेंट हो गया रात को। तो अब कैसे हुआ ये तो अभी देखने गए कैसे नहीं हुआ। एक्सीडेंट था, कहाँ का रहने वाला था, क्या नाम है? मॉडल मॉडल मथुरा। सुबह 6:30 करीब सूचना मिली कि महुआ शिल्पनी के बीच में एक कंटेनर में आग लगी हुई है। उस सूचना पर मैं मौके पर गया, वहाँ जानकारी हुई तो रोड सेफ्टी वालों ने बताया कि रात को 2:30 करीब जो जिस वाहन में आग लगी हुई थी उसका एक्सीडेंट हो गया। उसमें एक आदमी के अत्यधिक चोट थी, जिसे रोड सेफ्टी वाले RBM लेके आए, जहां उसकी मृत्यु हो गई। मृतक का नाम राकेश सनो बच्चू सिंह नगला पहुँच ऑर्डर जिला मथुरा उत्तर प्रदेश का। उसका मैंने पोस्टमार्टम MO साहब से करा दिया है, अभी रिपोर्ट दी नहीं है इन्होंने। रिपोर्ट पर जैसी रिपोर्ट दी जाएगी उस पर कार्रवाई करूँगा। आपका नाम क्या है, पद क्या है? विजय कुमार।